हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक ऐसे बच्चे के बारे में बताने जा रही हूँ जो स्कूल का बहुत ही शैतान बच्चा था और वह सबसे झगड़ा करता था। उसकी शैतानी को दूर करने के लिए बड़ा भाई अजीत उसे क्रिकेट कोच के पास ले गया और उसकी देखरेख में वह बच्चा क्रिकेट की प्रैक्टिस करता रहा। वह बच्चा एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता था, इसलिए उसके पास एक ही ड्रेस होता था। वह दिन भर उसमें प्रैक्टिस करता, फिर रात को उसी ड्रेस को धोकर फिर सुबह उसी ड्रेस को पहनकर प्रैक्टिस के लिए चला जाता। बाद में यही बच्चा गॉड ऑफ क्रिकेट के नाम से फेमस हो गया। जी हाँ, अब तो आप पहचान ही गए होंगे, मैं मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की बात कर रही हूँ और उनके कोच का नाम था रमाकांत आचरेकर। अक्सर रमाकांत आचरेकर विकेट के ऊपर क्वाइन रख देते थे और कहते थे यदि कोई बॉलर इस क्वाइन को गिरा देगा तो यह क्वाइन उसी का, नहीं तो सचिन का। अक्सर सचिन ही वो क्वाइन जीत जाते। इस प्रकार सचिन के पास बहुत सारे सिक्के कलेक्ट हो गए थे और वो कहते भी थे यह मेरा सबसे बड़ा अवार्ड है। 1992 की बात है, ऑस्ट्रेलिया सीरीज चल रही थी। पहले दो टेस्ट मैच इंडिया हार गई और तेंदुलकर भी रन नहीं बना पाए। रात को सौरभ गांगुली और सचिन एक ही रूम में सोते थे। सचिन रात भर सो नहीं पाए और क्रिकेट की प्रैक्टिस करते रहे। सौरभ गांगुली नाराज हुए और कहने लगे मुझे सोने दो। सचिन ने कहा मुझे तो नींद नहीं आ रही है, तुम्हें अगर सोना है तो ड्रेसिंग रूम में जाकर सो जाओ। वह रात भर प्रैक्टिस करता रहा और अगले ही दिन सेंचुरी बना दी। इससे तेंदुलकर ने मैच को ड्रॉ करा दिया। इससे पता चलता है कि वो क्रिकेट के प्रति कितने डेडिकेट थे। उम्मीद है सचिन तेंदुलकर के लाइफ के बारे में जानकर आप जरूर मोटिवेट हुए होंगे और कई बच्चे तो सचिन तेंदुलकर बनना भी चाहते होंगे। ऐसे ही अगली मोटिवेशन इंसिडेंट के साथ मैं फिर आऊँगी। तब तक खुश रहिए, मुस्कराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।